तुम्हें कुत्तों से डर लगता है? नहीं, बस वो अचानक से पीछे आ जाए तब। अच्छा, हम पारो को कह देंगे, अगली बार बता के आए। और ये है हमारा घर। बहुत बड़ा घर है यार। हाँ, हमारे दादाजी ने बनवाया। एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए वीजा लगता होगा? हाँ, कई कजन से तो आज तक नहीं मिले। तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में ही है। वीजा नहीं लगी। अरे, मेरे पापा के पास भी ऐसे ही स्कूटर है। ये कौन चलाता है? पता नहीं किसका है, हमारे घर में तो कोई स्कूटर नहीं चलाता। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। दादाजी। अरे मेरी रानी बिटिया। हम राखी रिचर्ड बोल दिया, और पूछिए क्यों? तू फिर से फर्स्ट आई होगी और क्या? आपको सरप्राइज देना ना इज इम्पॉसिबल। तू यहाँ क्या कर रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? विनोद, ये तुम्हारे साहबजादे हैं क्या? जी जी सर, अब मिलवाता हूँ सर से। जी सर, ये मेरा बेटा है मुरली। अच्छा। और एक बेटी भी है, सलोनी, घर पे है। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। ये हमारे साथ आया, हम सेम स्कूल में हैं, इनफैक्ट सेम क्लास में ही हैं। क्या बात है, स्कूल अच्छा है? सर नहीं, मेरा जो प्रमोशन हुआ ना, सर ने करवाया है, और यहाँ पटना में मेरी नौकरी भी सर ने ही लगवाई। हमारा जो एडमिशन स्कूल में हुआ ना, वो सर की हेल्प से ही हुआ है। पैर छू? जीते रहो। अच्छा हुआ ये लोग स्कूल में मिल गए सर। पर हम स्कूल में नहीं मिले, हम तो कल रात जब मच्छर बहुत थे कल रात, है ना पापा? वो मच्छर वाली अगरबत्तियां लाने को बोला है मम्मी ने, तो चले क्या? हाँ ठीक है, चलो सर, चलते हैं सर। ठीक है। हाँ। पैर छुआने वाला अपने आप को बड़ा समझे या ना समझे, लेकिन छूने वाला अपने आप को छोटा जरूर मान लेता है। हम दोनों के परिवार के बीच ये छोटे और बड़े का जो फासला था, वो हमेशा रहने वाला था। लेकिन प्यार के नशे में किसी को ये फासले नजर कहाँ आते हैं, और मुझे तो सिर्फ नंदनी नजर आती है। The most significant novelist in English during the peak romantic period, other than Walter Scott, was Jane Austen. His worldwide achievements were actually viewed by many poets. Yes. Chamomile chai. Babi ji. Madhu, I'm taking a class and it's chamomile. Sorry. Ab lijiye class lijiye. Bas khatam hi hone wala hai. Mama. I topped in my class again. Tabash Nandu. एक बात तो बताओ हमको, क्लास में सिर्फ दो ही बच्चे थे क्या? नहीं, सिर्फ एक। फर्स्ट भी हम, लास्ट भी हम। We'll continue with the session tomorrow. Have a great day, everyone. अभी मुंह मीठा कराते हैं तुम्हारा, ठीक है? मामा, आपने सुना ना? Aren't you happy? Of course I'm happy, नंदिनी। जज साहब की पोती हो, मामा पापा की बेटी हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही था। मम्मा, बट लाइफ में एक ही चॉइस मिलता है नंदिनी, हमें गोल्स चुनने का, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो और फिर उन तक पहुंचने की तैयारी करो। यस मामा। ओके, हमें एक इवेंट पे पहुंचना है, आई विल सी यू लेटर। लड्डू या रसगुल्ला किससे मुंह मीठा कराए तुम्हारा? नहीं चाची, अब हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है, हमारा तो मन है, एक टुकड़ा खिलाएंगे तुमको बस। अब आप एक काम करिए, एग्रीमेंट बनवाइए, हम मिलते हैं आके आपसे। जी
अरे महेश काका जी साहब, अगर यहाँ का हो जाए तो थोड़ा वहाँ भी पानी डाल दीजिएगा, क्या है ना गर्मी बहुत है, पौधे मुरझा रहे हैं। जी ठीक। अरे नंदिनी आ गए तुम, बधाई दीजिए इसे, क्लास में फर्स्ट आई है। शाबाश, यही ना बात, वैसे हम तो पहले से जानते थे, हर साल हमारी नंदिनी फर्स्ट जो आती है। थैंक यू। नंदे तुम ना हमें रिजल्ट की तारीख बता दिया करो, हम पहले ही पार्टी रख लिया करेंगे। क्यों क्या हुआ नंदिनी, तुम खुश नहीं हो? हम खुश है पर मम्मी खुश नहीं है। नंदिनी ये तुम्हारी मम्मी का प्यार है, वो जानती है कि तुम कितनी होशियार हो, वो तुम्हें अपनी और तुम्हारे पापा की तरह ओवर अचीवर बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि तुम आसमान छू। अगर सच बताओ ना तो इस घर में कोई फिसद्दी है तो वो है हम और तुम्हारी चाची, जिन्होंने ना तो कोई बड़ी डिग्री ली है और ना ही कोई बड़ा नाम कमाया है। प्लीज चाचू, आप ही इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, यू आर आल्सो एन ओवर अचीवर। ये बात तुम हमारे पापा से पूछो, उनकी नजर में अगर कोई वकील नहीं ना तो कुछ भी नहीं। लेकिन हम ऐसे मुंह लटकाए तो नहीं घूमते ना घर में, क्यों मधु? अरे छोड़िए नहीं है सब, नंदिनी जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग? एक काम करो रुको, ये पकड़ो हमारा क्रेडिट कार्ड, हमारी तरफ से नंदिनी के लिए एक बढ़िया सा तोहफा खरीदा। खुश इस घर की सबसे बड़ी अचीवर तो आप हो चाचा। अरे नहीं हम तो बस ऐसे ही साधारण। बिल्कुल नहीं, यू हैव द बेस्ट हार्ट एंड द बेस्ट हस्बैंड। The award goes to Madhu Chachi. अच्छा अब ये खाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है, जल्दी करना। हाँ जब तक मम्मी नहीं आती ना तब तक मेरे हाथ का बनाई खाना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो, अच्छा बनाया मैंने, खाओ देखो मजा आएगा। एक मिनट, तुम लोग खाओ, मैं जरा मम्मी से बात करके आता हूँ, ठीक है? हाँ सविता, हाँ मुझे भी फोन चाहिए अपना खुद का। क्यों? प्राइवेसी के लिए। किससे प्राइवेट होना है, जासूस हो तुम? नहीं चोर, मुझे चाहिए बस, मैं जब बोलूंगा पापा को तो बोलेगी ना मेरी तरफ से। ओके, पर दो मांगोगे तो मुझे भी चाहिए। अबे पागल है क्या, पापा कभी नहीं मानेंगे, फिर मेरा भी रह जाएगा, कितने मतलब ही यार तू सलोनी। कितनी अड़िया है किसी की। तो ये है कि नानी की तबीयत अब ठीक है, कल सुबह तक मम्मी आ जाएंगी, खाओ। खाओ भाई, क्या हो गया अब? भाई को प्राइवेट होना है। प्राइवेट मतलब? वो मैं बड़ा हूं तो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी पापा। किसी प्राइवेसी? प्राइवेसी का करोगे क्या तुम? कोई गंदा वंदा काम करने वाले हो क्या? नहीं पापा। गाल पे अभी तक ठीक से दाढ़ी नहीं आई है और प्राइवेसी चाहिए इनको। उड़ो मत ज्यादा समझे। चुपचाप पैर में रस्सी भी बांध दीजिए, वही कमी रह गई। क्या बोल रहे? वो बाहर रस्सी बांधनी है पापा, मम्मी ने बोला था,
कपड़े सुखाने के लिए? हाँ ठीक है ठीक है, वो हम देख लेंगे। चलो खाओ तुम लोग। राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार, हर इंसान का मौलिक अधिकार है, पर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में इसे कोने में पड़ी धूल की तरह नजरअंदाज किया जाता है। अपना फोन, लैपटॉप, गाड़ी तो रईसों के चोचले थे, हम तो अपना कमरा अपना बिस्तर के लिए लड़ते रहे। बिल्लू भैया की शर्ट, मुन्ना भैया की निक्कर पहन के बचपन निकला। जिस दिन अपनी नई शर्ट मिल जाए तो समझो त्योहार है। विक्रम। यस मॉम। कॉफी? या जस्ट अ सेकंड। पापा का गिफ्ट अभी तक नहीं खोला? रिजल्ट तो आ गया ना? पर मैं फोर्स नहीं आया ना, पापा को बोलो रिटर्न कर दे। कम ऑन विक्रम, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। मुझे पता है तुमने कितनी मेहनत की थी, और सेकंड आना भी तो एक अचीवमेंट है, ये कोई छोटी बात थोड़े है। मॉम, सेकंड प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस का लूजर। नंदिनी का नाम सबको याद रहेगा, सेकंड को कोई याद नहीं रखता। विक्रम, डोंट बी लाइक दिस बेटा, तुम एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हो, और सोल्जर अपनी जीत और हार दोनों को सर उठा के जीते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे लिए तुम कभी लूजर नहीं हो सकते। और इसे खोल लेना, पापा को अच्छा लगेगा। Yes, आयुष। Bro, you won't believe क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भेज रहा हूँ। Wait। Wait। चलो bye। पापा, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो मैं ये कह रहा था, जैसे अपने घर पे एक ही फ़ोन है, तो अगर आपको कभी मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे? लेकिन तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमको? अगर कुछ काम आ गया, जैसे अगर मम्मी को दूध मंगाना हो या फिर बल्ब बदलना हो तो। बल्ब? बल्ब बदले हो तुम कभी घर में आज तक? और सुनो, तुमसे कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम लोग कर लेंगे कॉन्टेक्ट, टेंशन मत लो। पापा वो, अरे एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। अरे सर का, हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नहीं सर कहीं नहीं, बस जरा बच्चे को स्कूल तक छोड़ने आए थे। हाँ सर, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। पापा वो फोन, अरे रुको, फोन लेट हो रहे हैं हम, और स्टेनोग्राफर हैं तुम्हारे बाप, कोई वकील नहीं है कि जब मर्जी आए तब ऑफिस पहुँचे। देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे। चलो बाय बाय। स्पाइडरमैन, बैटमैन, ब्रो सुपरमैन। मतलब? अरे भाई क्या लग रहे थे तुम दोनों, मुरली नंदिनी बगल बगल में, लेट अस गो होम बेबी। अबे ऐसा कुछ नहीं है, वो पास में ही रहती यार, और उसने बोला कि साथ में चलते हैं, तो मैंने भी कह दिया ओके। अरे भाई पास में रहते हो फिर पिताजी के स्कूटर से क्यों आए हो, नंदिनी के साथ क्यों नहीं? तू अपने काम से काम रख दीपू, फालतू में बीच में मत घुस। देखो ब्रो, तुम्हारी साइड, हार्ट ब्रेक वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। मतलब? स्कूल का सोशल मीडिया चेक किया तुमने? मेरे पास फोन, शिट, तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है, पर नो वरी दीपू, टू द रेस्क्यू। हेलो, कहां पे? चलो तुम, अरे बता दो सही। ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट सीक्रेट लिए अपना सारा सीक्रेट आउट कर सकता है। मतलब अच्छा बुरा कुछ भी? अरे भाई कुछ भी, किसी से प्यार हो,
किसी से खुद देखो या किसी को कुछ बोलना, हाँ सब लिख दो। देखो विक्रम के लिए किसी ने कुछ लिखा है। डियर विक्रम, यू लुक सो सैड टुडे व्हेन यू केम सेकंड, बट इन माय हार्ट यू विल बी ऑलवेज फर्स्ट। के बाद उसने लिखा है, सो टू पुट अप ए स्माइल ऑन योर फेस, कल रिसेस में कैंटीन में स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की तुम्हें एक सरप्राइज देगी, समझ रहे हो? अब बोलो स्कूल में ये सब भी होता है क्या? अरे यार लड़के लड़के आए तो रोमांस हो गई भाई, मतलब पर ये समझ नहीं आ रहा लड़की कौन है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई विश इट वॉज मी। विक्रम वाज अ रॉक स्टार मैन, उसकी फैन क्लब की गर्ल्स तो आज जलेसी से मर रही होगी। लक्की विक्रम काय का लक्की? परफेक्ट है भाई परफेक्ट है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट, बास्केटबॉल खेलता है, गिटार बजाता है, क्या नहीं करता भाई। ओए दीपू तूने तो नहीं लिखा कन्फेशन, सबको लग रहा है कोई लड़की है और साले निकला तू दीपू ढक्कन। नहीं नहीं आई थिंक किसी ने प्रैंक किया है, कोई नहीं आने वाला। चलो लेट्स गो, क्लास शुरू होने वाली है। बाय। अच्छा विक्रम है तो कमाल का, तू खत्म करना क्लास में चलना। अरे लड़की कौन है यार, मतलब क्या करेगा जान के। बोली हाय, आई थॉट हम दोनों साथ में आएंगे पर तुम रुके ही नहीं हमारे लिए। वो पापा ने कहा कि छोड़ देंगे तो कल से पैदल। श्योर चलो क्लासेस शुरू होने वाली है। यही है वो कौन है क्या है? अरे वो लड़की, वो विक्रम वाली लड़की नंदिनी ही है वो देख। नहीं पागल है क्या, नंदिनी नहीं हो सकती यार वो, कुछ भी कुछ भी क्या भाई, हम ना 100% श्योर है वो कन्फेशनल पेज वाली मिस्टीरियस गर्ल नंदिनी ही है। तुझे क्यों लगता है वो लड़की नंदिनी है? ना जी भाई, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और कौन हो सकती है? और भी तो होंगी। नहीं ये वाला परफेक्ट मैच है, दोनों इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और पैसे वाले भी है, और इनके पेरेंट्स बहुत पुराने दोस्त हैं, पता तुझे? ये जानते हैं एक दूसरे को? वो भाई बचपन से साथ में पढ़ते आ रहे और टॉपर्स भी है, कभी एक फर्स्ट आता है कभी दूसरा। अबे जानती होती तो मिलके बोलती ना, ऐसे सोशल मीडिया पे थोड़ी ना डालती। अरे यार उसने बोला तो कल कि सरप्राइज है, समझ रहे? कल क्या पता उसे देख के थोड़ा बुरा लगा होगा तो आज उसे किस करके थोड़ा उसका मूड ठीक कर दे। किस करेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, तो झूठ मत बोल यार दीपू। हमारा ना कैलकुलेशन यही कहता है, ये नहीं हो सकता, यही होगा। जब जब दिल टूटता है मुझ जैसे नास्तिक भी भगवान को SOS कॉल लगाते हैं। अब तो मेरे हेलो बोलने से पहले ही वो पूछते हैं, नंदिनी? उस दिन मन में जोर जोर से चिल्लाया कि विक्रम को दुनिया की सारी परियां दे दो, बस नंदिनी मेरे लिए छोड़ दो। कौन होगी वो? I wish it was me. मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया? Come on bro, excited right? शर्म लगा ले, नंदिनी होगी। क्या बोला था मैंने? Cheer up, Vicky boy. Are you out of your mind? How dare you touch me? वो भी बिना पूछे। Chill, एक किसी तो था, वो भी cheek पे। Whatever. किस कैसे किया without my consent? Just go away, okay? देखा, तेरा calculation गलत निकला। अब से दिमाग लगाना बंद कर दे फालतू की चीजों में। Shit. अरे, वैसे consent का मतलब क्या होता है?
अपने दोस्त से पूछ लो जाके क्या। हाय हाय, कैंटीन में जो हुआ दिखा तुमने? एक लड़की ने विक्रम को किस किया। ये ड्रामा यहाँ रोज ही होता है। पर विक्रम को ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक लड़की है वो, सबके सामने चिल्ला दिया उस पर। बेचारे की रोने जैसी शक्ल हो गई थी यार, कोई अच्छा लड़का ऐसे थोड़ी करता है। क्यों, बिल्कुल ठीक किया विक्रम ने। कोई लड़का अगर किसी लड़की को किस करे बिना उसकी परमिशन के, सब उसे गालियां देंगे। तो एक लड़की एक लड़के को कैसे किस कर सकती है बिना उसके परमिशन के? जस्ट बिकॉज विक्रम स्मार्ट है, हैंडसम है, इसीलिए ये सब लड़कियां उसका फायदा उठाती है, एंड दैट्स रॉन्ग। तुम्हें विक्रम हैंडसम लगता है? वो तो है ही, बट नंदिनी, तुम आगे जाओ, हम आते हैं। सॉरी, आई एम अ बैड लूजर। कल तुम्हारा नाम टॉप पे देखा, आई कुडंट हैंडल इट, माय बैड। कांग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। उस दिन मुझे एक पल के लिए लगा कि खुशी मुझे भगवान ने दी थी बस अगले ही पल छीन लेने के लिए। मैं खुश था कि नंदिनी वो लड़की नहीं थी, लेकिन जब नंदिनी ने विक्रम को हैंडसम कहा, मुझे बहुत तेज सी इनसिक्योरिटी और जेलेसी महसूस हुई। मेरे जैसे आम दिखने वाले लड़के के लिए विक्रम जैसे इंसान का होना ही अपने आप में काफ़ी वजह थी उसे अपना दुश्मन मान लेने के लिए। पर कॉम्पिटिशन अनफेयर था, उसके पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं। और जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास होती है जलन और इनसिक्योरिटी।